लोकसभा के अंतिम चरण का चुनाव बिहार के 8 सीटों पर हो रहा है, जहां निर्वाचन अधिकारी के द्वारा शांतिपूर्ण मतदान के लिए लगातार सभी बूथों पर भारी संख्या में बल को प्रतिनियुक्ति किया गया है। वहीं पटना में मतदान के दिन सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह का माहौल रहा। सभी लोग अपने घर से निकलकर सुबह सुबह मतदान केंद्र पर नजर आए और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अगर देखा जाए तो इस मतदान प्रक्रिया के क्रम में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में काफी उत्साह दिखा। सीतामढ़ी के नोडल पदाधिकारी समरेंद्र अपने परिवार के साथ गर्दनीबाग बालिका मध्य विद्यालय में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सीतामढ़ी में जागरूकता की वजह से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, लोगों में अपने मतदान को लेकर जागरूकता आई है, उससे बेहद खुशी हुई है। पटना में भी इसी प्रकार की प्रतिशत की वृद्धि हो, यही कामना कर लोगों से अपील की है कि लोग घर से बाहर निकलकर अपने मतदान का प्रयोग करें, ताकि राष्ट्र के विकास में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। आइए, किस पर आपका हाथ? अपने उंगली का ताकत का मैंने इस्तेमाल किया, और चूंकि वहाँ भी मैंने कैंपेन चलाया था अवेयरनेस का, और यहाँ चूंकि हमको वोट देना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, यहाँ के वोट देके बहुत। सर, सीतामढ़ी में काफ़ी आपने लोगों में उत्साह भरा, काफ़ी वहाँ पे प्रचार प्रसार भी चुनाव आयोग की तरफ से किया, किस तरह से सर अरेंज किया उसको, किस तरह से किया? वो एक मास लेवल पर कैंपेन चल रहा था, जो वोटर हमारे जो घर में रहते हैं उनको लोकतंत्र के महत्व को हम लोगों ने समझाया, और ये बताया कि इस लोकतंत्र को पाने के लिए हमारे पूर्वजों और शहीदों ने बहुत बलिदान दिया है, तब जाके ये लोकतंत्र मिला है। और लोगों को वोट के लिए हम लोगों ने अपील किया था, बहुत बड़ा कैंपेन चला था, स्पेशली डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह पूर्व डीएम थे उनके नेतृत्व में, और अभी तत्कालीन डीएम के नेतृत्व में एम चंद्र राम चंद्र डूसर के नेतृत्व में। आप वोट देने आए पूरे परिवार के साथ, लोगों को क्या अपील कीजिएगा और इस महापर्व को लेकर क्या करना चाहते हैं? ये लोकतंत्र का महापर्व है, और इस लोकतंत्र को पाने के लिए हमारे शहीदों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान दिया है। आज इसने स्वतंत्र होकर हम अपना मतदान करते हैं, उन पूर्वजों के नाम, उन शहीदों के नाम अपना मतदान करें, और अधिक से अधिक युवाओं से अपील है कि जितना अधिक से अधिक मतदान करेंगे उतना ही सशक्त और मजबूत लोकतंत्र का निर्माण होगा। मैं बोलती हूँ, मेरा ये मानना है कि महिलाओं को अपना वोट जरूर ही देना चाहिए, क्योंकि महिला भी लोकतंत्र को मजबूत करने में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है, तो उन्हें अपना मतदान देना चाहिए। सीतामढ़ी में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने मतदान, हाँ, सीतामढ़ी में सबसे ज़्यादा प्रतिशत अगर बढ़ा है तो महिलाओं के मतदान का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। पटना में वोट देने कितना खुशी होता, दूर से आया, छुट्टी उनको मिला, उसके बाद आप वोट देने आइए, कितनी मैंने खुशी आपको? काफ़ी खुश हूँ मैं यहाँ के वोट देने के बाद, क्योंकि मेरे एक वोट से काफ़ी कुछ डिसीजन जो है बदल सकता है और अच्छा डिसीजन आ सकता है, इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ।